अभी संडे है और आज संडे के दिन अपने टीसीओजी ग्रुप के दो मेंबर शुभम भाई और विश्वजीत भाई, कहाँ गए विश्वजीत भाई, गाड़ी के अंदर है तो वो आए हुए सूरत। ये एक थार है और एक फॉर्च्यूनर है और अभी हम रुके हुए पाल मोटर्स जो कि कृतिक भाई का है। और विश्वजीत भाई रेडी ऑफ रोडिंग के लिए, तो अभी चलते हैं क्योंकि आज लेट हो गए और उनको भी आते आते गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज सुबह निकलने का प्लान था, कुछ पार्ट्स वगैरह मंगवाए हुए, पता नहीं होस पाइप जैसा है कुछ, होस पाइप ही है। हाँ, तो चलते आगे। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ पार्थ की फॉर्च्यूनर में, अभी ओम चला रहा है और फिलहाल मैं आगे बैठा हूँ। तो अभी अपने का प्लान है कि कहीं ऑफ रोडिंग ट्रेल जो हमने पहले ढूंढा था उसके आसपास कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे चला जाए। फिलहाल अपने पास दो गाड़ियाँ हैं, एक फॉर्च्यूनर और एक थार जो पीछे विश्वजीत भाई चला के आ रहा है, और पीछे की गाड़ी में तीन लोग हैं और यहाँ पे अपने भाई लोग पांच ही हो गए और पीछे सब कंफर्टेबल आ गया। इसमें सेवन सीटर पीछे भी दो सीटें से आ जाती है, 4x2 वेरिएंट है। तो भाई पहले हमारा प्लान था कि जो हमने ट्रेल ढूंढा हुआ है वहाँ पे लेके चला जाए, वो यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर था और व्यारा साइड था, पर अभी विश्वजीत भाई और शुभम भाई ने एक नया ट्रेल ढूंढा हुआ है तो बोले कि वो एक बार देख लेते हैं, तो उनके हिसाब से चले गए। फिलहाल उनके पीछे पीछे जाना है। तो भाई अभी हम NH-48 छोड़ के वास्ता की तरफ आ गए हैं। तो अभी जो ये गाड़ी दिख रही है थार विश्वजीत भाई की, तो ये नॉर्मल आती है 130 BHP और भाई ने बना रखी है 190 HBHP। और अभी हाईवे पे भाई जा रही थी जो फॉर्च्यूनर से भी पकड़ना मुश्किल हो रहा था, अभी कितनी स्पीड पे जा रही थी वो तो ब्लॉग में नहीं बताए गए पर अच्छी खासी जा रही थी। तो भाई अभी अपने को जाना है ये रास्ते पे, तो भाई लोगों ने एक ट्रेल ढूंढा हुआ है तो वही रास्ते पे सीधे चलते हैं। अभी मैं विश्वजीत भाई की गाड़ी में आ गया हूँ, तो भाई जो है ऑफ रोड के प्रॉपर एंथुजियास्ट है, तो भाई ने पूरा टेस्ट ऑफ रोडिंग वाली थार बना के रखी है। ऑफ रोड लवर के लिए जरूरी है वो सारी चीजें, चाहे वो विंच हो या तो फिर ट्यूनिंग करवाई हो, काफी सारी चीजें तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या होता है। ये सर रेडियो वेडियो रहता है जो सबसे कॉन्वॉय में चलते है तब यूज होता है। पावर का तो कारण है ही, साथ साथ में क्या टॉर्क क्या है इसका एक्सेसिवली, अच्छा टॉर्क भी बढ़ जाता है इसका, टॉर्क एक्सेसिवली बढ़ा है। जैसे जो स्टॉक थार है उसके अंदर 300 Nm टॉर्क है, हाँ हाँ हाँ, और इसके अंदर 455 Nm न्यूटन मीटर टॉर्क है। अच्छा, और ये लो रेंज में तो और बढ़ जाता होगा। लो रेंज के लिए ही है बेसिकली, अगर हम इसको हाई स्पीड्स पे चलाते हैं तो इट विल बिहेव लाइक जस्ट अ नॉर्मल थार। ओके, तो लो एंड टॉर्क को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देती है। अच्छा, तो 2.5-3 गुना बढ़ जाता होगा। हाँ, मतलब डेढ़ गुना दो गुना जितना बढ़ रहा है भाई, जबरदस्त। क्या इसमें क्या सिंगल चैनल एग्जॉस्ट है, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है स्टेनलेस स्टील का। अच्छा, तो V8 साउंड आप शायद सुन पा रहे होंगे, थोड़ी गाड़ी गर्म हो जाएगी तो पता चलेगा। तो भाई बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, उतनी तो मुझे भी पता नहीं है, वो भाई ने अपने टेस्ट के हिसाब से पूरा किया हुआ है। टेस्ट के हिसाब से ऑफ रोडिंग एंड योर व्हीकल इज योर चॉइस, आपको कैसे किस तरीके से बनाना है वो आप पे डिपेंड है। सीरियसली तो भाई मज़ेदार बनाया हुआ है, पूरा प्यार से रखा हुआ है और उसके हिसाब से चल भी रही है। और 78,000 है ऑटो पे इन 2 ईयर्स। अच्छा, 2 ईयर्स एंड 3-4 डेज। तो भाई मुझे लग रहा था कि भाई ने इतना परफॉर्मेंस वाला मॉडिफिकेशन जो किया हुआ है स्टेज 2 तक, तो एवरेज तो बिल्कुल नहीं देती होगी, पर ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। ये कराने के बाद तो 2-3 की एवरेज और बढ़ गई। इसमें क्या होता है अभिनव भाई ना, इसमें क्या है फिर आपका जैसे पावर बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है ना, तो आपका आपको गियर शिफ्ट्स कम होते हैं। अच्छा, तो आप अगर फोर्थ में चल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार थर्ड में डालना है फोर्थ में डालना है, तो गियर शिफ्ट्स कम होंगे तो क्या है वो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी, एंड द लेस यू यूज द ब्रेक्स फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड एफिशिएंसी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो फिलहाल ये सिंगल लेन रोड है तो आराम आराम से जा रहे हैं। क्योंकि
क्योंकि अपने को तो सिर्फ एक्सप्लोर करना है नई नई जगह, तो कोई मिल जाएगी तो करेंगे एक्सप्लोर। बाकी फॉर्च्यूनर आगे है, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। महिंद्रा सेज एक्सप्लोर द इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही। तो भाई इम्पॉसिबल को एक्सप्लोर करना है आज, ऐसी जगह ढूंढेंगे आज। रास्ता आज तो मरे पर मारा माटे पर नव रस्तो है आज तो मजा आवशे। तो भाई अभी जो मेन रास्ता छोड़ के हमने इंटीरियर गांव वाला कोई रास्ता ले लिया है। अभी गांव वाले रास्ते में से होते हुए कहीं जंगल में चले जाएंगे। फिलहाल तो अभी ग्रीनरी तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और आगे मेरे लिए भी ये नया रास्ता है तो मज़ेदार होने वाला है ये रास्ता। भाई अभी हम वासदा से एक रुदिक भाई कौन सा रास्ता है पता है क्या आपको? पदम डुंगरी वाले रास्ते पर आए हुए हैं और यहाँ पर कोई नदी है, अंबिका नदी है शायद, उसके ब्रिज पे थोड़ी देर रुके हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं फ्रेश एयर, और सामने थोड़ी देर बाद सनसेट भी दिख सकता है अगर रुके तो एंजॉय करते हैं अभी तो। ये देखो गरीब बच्चे बाहर आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं अभी निकालो अभी, हाँ थोड़ी फ्रेश एयर का आनंद लेने दो। तो भाई सामने सनसेट होगा थोड़ी देर में और ये अंबिका नदी। अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, फोटो खींचेंगे भाई के साथ, पहले फोटो खींच लेते हैं, व्लॉगिंग तो होती रहेगी, पहले फोटो खींच लेते हैं। अपने को आगे ट्रेल जाना है जो शुभम भाई और विश्वजीत भाई को पता है, तो वहाँ पे चलते आगे। अभी जो शुभम भाई हमें गाइड कर रहे थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और भाई को विश्वजीत भाई से अभी सपोर्ट मांगा है कि भाई लेके चलो, और विश्वजीत भाई तो एकदम कॉन्फिडेंस से लेके आ गए। ये कोई पदम डुंगरी बोर कच्छ सरा सब लिखा हुआ है, तो भाई ने सब देखा हुआ है, बोल रहे एक बार मैं रास्ते आता हूँ तो मुझे नींद में भी ले चलो, कहीं पर भी निकाल दूंगा। अब बताओ किधर चलो। तो मेरा तो देखा हुआ है, मैं तो बताओ आपको जहाँ पे आप बोलोगे वहाँ ले चलूंगा। राइट चलना, राइट ले ठीक है, आप बताओ वो तो आएगा तब बताओ। मैं तो चांद के पार लेके चलूंगा। भाई विश्वजीत भाई कैसे भी करके हम सोच रहे थे कहाँ ले जाएंगे, पर भाई लेके आ गए, इसके अंदर रास्ता जा रहा है भाई जबरदस्त, दूर जंगल के अंदर जो दिख रहा है परछाई उसके अंदर अपने को जाना है शायद, और यहाँ पे भी कुछ है अभी तो, यहाँ पे कहीं पे भी निकल जाओ। देखो ले आया ना, आप ले आओगे तो आप कैसे लाए वैसा करके, है ना जबरदस्त जगह, सामने जाना है अपने को। पदम डूंगरी से थोड़ा दूर तो आ गए और यहाँ पे एकदम अमेजिंग लोकेशन मिला है, पर पब्लिक ने इतनी अच्छी जगह को प्लास्टिक से भर दिया है। अभी देखो तो अच्छा है, अगर बाहर रास्ता निकलता हो तो भी अच्छी बात हो जाएगी, वो तो निकल नहीं सकता ना कहीं से भी, लो मांगना है बस, ये लो। और यार इस पे बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन लाल मिट्टी है ये, एक बार ट्रेल गई ना भाई। अभी हम ऑफ रोड ट्रेल ढूंढते ढूंढते आगे तो आ गए हैं, पर अभी कुछ मैंने जैसा सोचा था वैसी तो ट्रेल मिली नहीं, पर यहाँ पे सनसेट अच्छा दिख रहा है तो सनसेट एंजॉय करते हैं। भाई अभी रात के पता नहीं 7:30 जितने बजे है, और भाई ऑफ रोड के लिए लोकेशन ढूंढते ढूंढते हम फाइनली वही जगह पे आ गए जो हमने सुबह डिसाइड किया था, बाकी तो कोई जगह मिली नहीं। और रात को वो जगह क्रॉस करना मतलब एकदम घने जंगल के अंदर पूरे चांसेस है कि जंगली जानवर दिख जाए, और लोग बोल रहे कि कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो भाई देखते हैं जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे वरना रिटर्न हो जाएंगे, पर एक बार एक्सपीरियंस तो ज़रूर करेंगे, घुसेंगे ज़रूर ट्रेल के अंदर। दे, भाई अभी जो धीरे-धीरे मत जाना, नहीं ऐसे लीनियर रखो, स्पीड ज्यादा कम मत करना, स्लश में राइट राइट, चलाना है चला तू बिंदास। हम अभी जंगल में आ गए, अभी मुझे डर इस बात का है कि अगर हमें उतरना है तो उतरेगा कौन भाई, उतरेगा कौन, मैं उतर जाऊंगा। अरे बाप रे, कृतिक भाई बोले कि भाई डरो मत, चल ब्रेक नहीं मारना, ब्रेक नहीं मारना है, चल 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 चल। हाँ भाई ऐसे ही निकालना पड़ेगा, देखो हाँ भाई
भाई कादव तो है आगे तो ब्रेक तो एक्सीलरेटर क्यों कम कर दे रहा है भाई? तो कम तो करूँ ना। नहीं करो, लेकिन जब ब्रेक कर रहा है भाई तब हार्ड प्रेस कट करो। हार्ड प्रेस मत कर, धीरे धीरे करनी तो दिक्कत हो जाएगी। भले गाड़ी स्पिन नहीं हो लेकिन धीरे धीरे रुक जा। हाँ लेफ्ट में जाना था ना। अरे भाई वो लेफ्ट में कहाँ जाना था, लेफ्ट में से थोड़ी ऊपर आए थे, सीधा सीधा ऊपर आए थे। हाँ नहीं जा पाएगी, हाँ फॉर्च्यूनर को उतारना मुश्किल है। 4x2 है तो फिर विंच लगाने के लिए जगह, वो दूसरा रास्ता है क्या वहाँ से, वहाँ पे देख वो क्या हुआ। वो गाड़ी लेके देखने गए फॉर्च्यूनर से उतरना है कि नहीं। फॉर्च्यूनर यहीं अटक गई थी भाई। कहाँ पे? यहाँ पर अभी जस्ट निकल पाई है। मत डालो भाई, मैं आपको रुक मना कर रहा हूँ, मैं आपको अभी मना कर रहा हूँ। बिनो भाई मत डालो। अभी चीज़ क्या गलत हुई है कि एक तो रात को आए और दूसरा उल्टा आए, हम उल्टा आए सीधा आए होते ना, अब गाड़ी तो इधर से घुमा देंगे कुछ। भाई अभी तो बीच जंगल में है हम, और यहाँ पे लाइट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, पर पूरे जंगल में है। और अभी सोचा है कि आगे रास्ता तो मिलेगा, पर अगर दो तीन अगर रास्ते मिल रहे हैं तो कौन से रास्ते पे जाना है, वो सुबह में ज़्यादा जजमेंट आता राइट, रात में तो रिस्क नहीं लेते और सुबह के टाइम पे वापस करेंगे ये ट्रेन। फॉर्च्यूनर घुमा ले, उसको घुमाना पड़ेगा, उसको घुमा ले गाड़ी। ये गड्ढा देखो, 4x4 हाँ तो थोड़ा कर सकते ऐसा था। अब अच्छे जाए तो कई बात, ये तो पाको रस्ता, मैं पहले ऑफ रोडिंग करी है ना, हाँ एटला माटे कहीं नहीं। चलो अने आगळ कादव केटलो छे, वधी जशे ने आगळ तो, पेलो ते झाड़वाड़ू छे त्यां आगळ, त्यां वधी जशे। मैं जोवा एवा के मैं कीधुं, हाँ तो आगे तो स्लश बढ़ जाएगा ऐसा बोल रहे, तो कोई बात नहीं जाने दो। आओ आओ। क्या बात कर रहा है, यहाँ डालो, यहाँ कहाँ वहाँ पे डालो, फिर रिवर्स लेके फिर निकलेंगे ना, तो आगे लेके फिर इसमें रिवर्स डालते हैं, व्हील स्पिन हो रहा है। नहीं नहीं गहरा कटा था देखा, हाँ भाई इसलिए मैं नहीं डल रही तेरी, मेरा अंदर और आवा दो, हाँ आवा दो, पाछड़ कहीं बांधो ना थिया, आवा दो आवा दो आवा दो, थोड़ूक पाछड़ थाय तो ट्राई करो। आओ तो धीरे धीरे आओ तो आओ तो सुन 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 रुक 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 वो मत कर, थोड़ी सी आगे ले, आगे ले कर एक झटका मारो, टायर सीधा कर आगे ले, अरे टायर मत काट गुरु, आगे ले सीधा सीधा आगे ले सीधा सीधा सीधी सीधी, अरे सीधी है भाई टायर सीधा ही है। कृतिक भाई है क्या? हाँ मेरे को रिवर्स दो कृतिक भाई, थोड़ा सा काटना और थोड़ा सा पंप करके लो रिवर्स, इसमें वो बस जाने दो, पीछे तो कोई टेंशन नहीं है, बस बरो बरो जाने दो। अरे टेंशन मत ले भाई, निकल जाएगी अपने पास इतनी बड़ी, वो देख रहा है वो पूरा रोल क्लो है। बस अब पीछे लाओ, बस जाने दो जाने पीछे, बरोबर बस अब पीछे और थोड़ी जाने दी, जाने दो बस बस रुको एक सेकंड, आगे थोड़ा सा ब्रेक छोड़ के लाओ, होल्ड ले आओ, होल्ड ले आओ, होल्ड ले आओ, बस होल्ड ले आओ, मत चलाओ यार बस, अब पूरा काटो देखे पहली बाजू जो है ओम, बरोबर है पाछड़ नहीं हटे, जवाब कंप्लीट, बस 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 नहीं रिवर्स ले लो, एक बार रिवर्स ले लो, अभी पहले थार आगे ले लेते,
अभी उबारो, थोड़ी तार आगे ले लो, थोड़ी तार आगे ले लो। मैं क्या बोला था तेरे को, गाड़ी व्हील स्पिन कर रही थी, अपलोड कर लेते हैं, और कृतिक भाई ने मोड़ दी और सीधे सीधा रास्ता अभी अपने को निकलना है, क्योंकि ये जंगल के बीच में उतरना भी सेफ नहीं है। और आगे बोला भी है कि भाई आगे स्लश इससे 4-5 गुना ज़्यादा है। अभी ठीक से रुके हुए हैं, अभी विश्वजीत भाई और शुभम भाई अभी उन्होंने होटल बुक किया हुआ है, तो वहाँ पे डायरेक्ट चले जाएंगे और हम चले जाएंगे सूरत में, सूरत में पाल मोटर्स, पाल मोटर्स में चले जाएंगे, पाल मोटर्स। और ये लोग का तो प्लान बड़ा बड़ा है, कहाँ पे जाने वाला आप लोग? 1570 में KCOG करके ग्रुप है, तो उसमें 4x4 ओनर ज्वाइन होने वाले हैं, उनका बहुत लंबा प्लान है और टूरिंग का, उसे पता नहीं कब पूरा कर देंगे। आते रहना इधर, नहीं आपसे जल्दी मिलते हैं, अलविदा कर दें, जितना जल्दी आप बोल रहे हो उससे ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। ठीक है चलो।